हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज जो हम 20 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश वह भौतिक राशि है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होती है? तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे में यह है, सूर्य है, बल्ब है, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि है। प्रकाश के स्रोत दू गो होता है, एगो प्राकृतिक होता है, एगो मानव निर्मित होता है। तीसरा का क्वेश्चन है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अगला जो चार नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम होता है। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा का जो है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। प्रतिबिंब, देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी अब फोकस दूरी कहलाता है। इसके गोलीय दर्पण ध्रुव से फोकस दूरी कहलाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध बताइए। देखिए, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होने की प्रक्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो गो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों यानी जल और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल के नियम। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से यानी नियतांक साइन आई बट्टा साइन आर होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। लेंस क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है? तो देखिए, उत्तल लेंस, यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसे आभासी लेंस भी कहा जाता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है और इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष है उसको ठीक करने में लग किया जाता है।
अवतल लेंस का उपयोग देख लेते हैं। यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह किसी वस्तु को केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी किसे कहते हैं? जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र अस्पष्ट साफ साफ देख लेता है, उसे स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं। अस्पष्ट नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है। दृष्टि प्रास किसे कहते हैं? नेत्र की दूरी बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि प्रास कहा जाता है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदल कर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेती है, उस गुण को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, कई कारणों से नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।